ऊर्जा विभाग को पूरे देश में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे उपभोक्ता परिषद खुश हो गया। उपभोक्ता परिषद काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा था कि नोएडा पावर कंपनी को सरकारी हाथों में लिया जाए और उसको लेकर के अब एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आपकी एक लंबी लड़ाई थी, 30 साल से आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जा करके डिसीजन आया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनता के हित में ये निर्णय लिया और नोटिस उसको भिजवाया गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, नोएडा पावर कंपनी का जो अनुबंध हुआ था वो 1993 में हुआ था 30 अगस्त को, और 30 अगस्त 2023 को उसका अनुबंध की सीमा 30 वर्ष समाप्त हो रही है। हमारे क्लास जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 नहीं आया था, तो 1910 का एक्ट था, तो 1910 की एक्ट की धारा 6 और 7 में ये प्राविधानित था कि नोएडा पावर कंपनी का जो ये लाइसेंस होगा ये 30 वर्ष का होगा, अनलेस एक वर्ष पहले अगर गवर्नमेंट कभी चाहे तो नोटिस देकर टेक ओवर की कार्रवाई कर सकती है, नहीं तो फिर उसका 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो अब जब 30 अगस्त 2023 को उसका 30 वर्ष पूरा हो रहा है, तो मतलब कि अगस्त के पहले उसको नोटिस जाना चाहिए था, और यही हमारी डिमांड थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि उसको एक साल पहले नोटिस भेज के टेक ओवर की कार्रवाई करें। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से, ऊर्जा विभाग के हमारे जो अपर मुख्य सचिव ऊर्जा हैं अवनीश अवस्थी साहब, उनको नोटिस उन्होंने दे दिया कि 3 महीने में जो भी आपको कहना हो कहिए, अन्यथा की स्थिति में इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। और ये भी बता दूं मैं आपको, पब्लिक इंटरेस्ट में टेक ओवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी मैं विगत दिनों भी आपने देखा होगा जब टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तभी उस समय हमने उठाया था कि भाई 21-22 तक लगभग 1127 करोड़ रुपये इस पर सरप्लस निकल रहा है, तो बिजली दरों में कमी की जाए। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने हमारी बात मानते हुए एक वर्ष के लिए, मतलब आगे एक वित्तीय वर्ष के लिए जो 22-23 का टैरिफ आया उसमें लगभग 10% बिजली दरों में कमी कर दिया, यानी कि उससे 222 करोड़ रुपया हमारा एडजस्ट हो पाएगा, लगभग 550 करोड़ अभी और भी उसके ऊपर हमारा सरप्लस निकल रहा है। तो उसके आधार पर हमने फिर नियामक आयोग में याचिका लगाई कि भाई अगले 3 वर्ष तक इसकी टैरिफ जो उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की कम होना चाहिए, और इसी बीच हमने फिर मांग उठाई कि भाई इसका लाइसेंस तत्काल निरस्त होना चाहिए। तो सब मिलाकर जो ये कार्रवाई था निश्चित तौर पर जनहित में है। और एक सबसे बड़ा मैं आपको खुलासा, आपने किया भी है, आपके चैनल पे भी ये खुलासा हुआ है कि आपने देखा होगा कि जो नोएडा पावर कंपनी का प्रबंध निदेशक था वो लगभग 6.5 करोड़ रुपया पर एनम लेता था, 55 लाख रुपया महीना लेता था। उस पर मुद्दा भी आपने उठाया। हाँ, उसको मुद्दा भी हमने जब उठाया, हमने कहा भाई ये कैसी कंपनी है, 2000 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी का MD 55 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेता है, और वहीं 1,20,000 मिलियन यूनिट सप्लाई करने वाली कंपनी, आप पावर कार्पोरेशन या कोई अन्य कंपनी देख लो, तो उनका केवल 2-3 लाख रुपया भी आएगा तनख्वाह, और उनका 55 लाख आएगा, और ये पब्लिक पर भार जाएगा। अंततः जब हमने मुद्दा उठाया तो नियामक आयोग ने जब क्वेरी करी, सवाल जवाब किया, तो उन्होंने अपने MD से इस्तीफा ले लिया। हमने कहा इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की करे को अनियमितता हुई है। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां उन्होंने खरीद ली, MG हेक्टर और कई कई गाड़ियां खरीद लिया, मर्सरीज गाड़ियों के लिए वो मांगा, उस पर भी हमने आपत्ति उठाई। हमने कहा पब्लिक के खर्चे पर ये अंधेर गर्दी नहीं चलेगी। अंततः खैर नियामक आयोग ने भी हमारी बात को सुना और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमारी बात को सुना, और नोएडा पावर कंपनी जो निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी उत्तर प्रदेश में, ये हमको खुशी की बात है। जब देश में आपने देखा होगा कि निजीकरण की एक धारा प्रवाह, एक अभियान चल रहा है, उसी बीच उत्तर प्रदेश में एक खुशखबरी है कि निजीकरण जो आज के 30 वर्ष जो निजी क्षेत्र में दिया गया था, आज उसको टेक ओवर करने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर निश्चित तौर पर खुशी की बात है, और इस लड़ाई को आगे तक हम लड़ेंगे। जैसे तो इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ लगभग 2000 से, लड़ाई 1999 के पहले से लड़ाई इसकी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा जब तक कि ये ऊर्जा सेक्टर का पार्ट नहीं बन जाएगा। अभी विभिन्न निगमों में इस तरीके की चीज़ें हैं, आपने कल कहा भी था कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को भी लिया जाए, क्या है पूरा मामला और कैसे अब कितना लड़ाई रहेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जब इसको दिया गया था तो उस समय राज्य विद्युत परिषद था, तो सभी एक था। अब राज्य विद्युत परिषद में पावर कॉर्पोरेशन बना, फिर कई 5 बिजली कंपनियां बन गई, तो उस समय जो आज की डेट में अगर नोएडा पावर कंपनी की बात करें तो वहाँ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम है। तो हमारा ये कहना कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम उसको टेक ओवर कर ले। इसी प्रकार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, टोरेंट पावर का भी एग्रीमेंट गलत हुआ जो आगरा में, उस पर भी हमारी लड़ाई जारी है कि टोरेंट पावर को भी टेक ओवर किया जाए। और आज अभी इसी सब मुद्दों पर मैं विद्युत नियामक आयोग से फिर मुलाकात करने वाला हूँ कि भाई ये जो लीगली मैटर है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत आता है, उस पर नियामक आयोग आगे कार्रवाई करते हुए निजीकरण की प्रक्रिया पर विराम लगाते हुए प्रदेश की जनता को राहत दे, और जिससे कि सही मायने में विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सके। तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जब प्रस्ताव लाया था विद्युत अधिनियम में, तो लोगों ने, कर्मचारियों ने ही कहा कि ये निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, लेकिन ये जो संकेत मिला है कि आप
लोगों के लिए राहत भरा संकेत हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बताऊँ तो लीगली लड़ाई जो होती है, जो लीगली लड़ाई है, एक्ट की लड़ाई है, जो लीगली फ्रेमवर्क की लड़ाई है, उसमें कहीं भी ये जब धरना प्रदर्शन ये बात अलग होती है। लेकिन देखिए आपको बताऊँ, जब लीगली फ्रेमवर्क में कोई भी मुद्दा अगर आ जाता है तो उसको लीगली पैरामीटर के तहत ही देखा जाएगा। और ये हमारी लड़ाई पूरी लीगली है, हम हमेशा अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था को पढ़कर आगे चलने वाले लोग हैं हम लोग। तो विद्युत अधिनियम 2003 में जो प्राविधान है, या किसी भी एग्रीमेंट को जिस क्लाज के तहत उसको एग्रीमेंट किया गया, उसमें जो प्राविधान है उसके तहत हम लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और उसी के तहत हमारी जीत होती है। आज तक आपने देखा होगा कि उपभोक्ता परिषद, चाहे वो आपने सीलिंग लगाने वाला मामला रहा हो, उस सीलिंग लगाने के मामले में भी हमारी जीत हुई। जो 20 रुपये तक बिजली बिकती थी पावर एक्सचेंज पर, हमने उसको 12 रुपये करा दिया। आपने देखा होगा विदेशी कोयले पर भी हमारी जीत हुई, और भी अनेकों ऐसे मामले में बिजली दर बढ़ाने के लिए जब ये लोग बढ़े तब भी हमारी जीत हुई थी। क्योंकि हमको पता है कि लीगली लड़ाई को लंबा जरूर खींचेगा, लेकिन लीगली लड़ाई में अंततः जो लीगली पक्ष मजबूत होगा उसी की जीत होगी। और मैं वैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता हूँ, और इसीलिए हमारी जीत आगे चलकर होती है, और इस मामले में भी हमारी जीत अंततः होनी ही है। आपकी जिद और आपकी लड़ाई ने, चाहे वो निजी कोयला खरीदने की बात रही हो, चाहे कंपनियों की बात रही हो, एक जिद और आपकी है, और आप भी उस पर लीगल तरीके से जा रहे हैं कि बिजली की दरें घटेंगी। योगी जी सुनेंगे? देखिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे लाइफ लाइन कंज्यूमर है, 1,39,00,000 विद्युत उपभोक्ता है, उनकी 35 पैसे दरों में कमी हुई, और लगभग जो उनका 90 रुपया फिक्स चार्ज पड़ता था वो 50 रुपया की परिधि में आ गए, 1 किलोवाट 100 यूनिट वाले जो हमारे कंज्यूमर है। और वहीं जो आखिरी स्लैब था, जो 7 रुपये वाला स्लैब था जो 500 यूनिट के ऊपर, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम लोगों को गर्व होता है कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र में जो भी निर्णय आता है उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुखर रहते हैं और वो त्वरित कार्रवाई करते हैं। मैं बताऊं, नोएडा पावर कंपनी के मामले में लोग नोटिस देने से थरथराते थे कि अरे बड़ा निजी घराना है, उसको कैसे नोटिस मिल जाएगा। यही मैंने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज उसको नोटिस चली गई। लोग ये कल्पना कर रहे होंगे कि नोएडा पावर कंपनी, जो निजी क्षेत्र का पहला प्रयोग था आरपी गोयनका कंपनी का, आज उसको नोटिस चली गई और 3 महीने के अंदर ये कहा गया कि आप अपना जवाब तो नहीं, टेक ओवर की कार्रवाई होगी। और वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र का पहला निजी घराना आपके ऊर्जा क्षेत्र में शामिल होकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की शोभा बढ़ाएगा और प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये अवधेश वर्मा जी हैं जिनका कहना है कि हर मोड़ पर जब भी जनता के हितों की बात आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ खड़े होते हैं, और जो डिसीजन आया है नोएडा पावर कंपनी को समाहित करने का वो उसका स्वागत करते हैं। साथ ही भी उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिजली दरों को कम करने की बात है वो कानूनी रूप से जायज़ है और उस पर भी जल्द निर्णय आएगा और वो पक्ष में आएगा। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।